नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या क्यों हुई। 43 वर्षीय कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी के नेता थे, बड़े बड़े भड़काऊ भाषण करते थे, तिलक लगा करके चलते थे, उनके साथ पुलिस भी उनको तैनात थी। वो अपने इस बात के मशहूर थे कि वो उनके अंदर कट्टर हिंदूवाद बढ़ा हुआ था। कट्टर हिंदूवादी होना कोई गुनाह नहीं है या कट्टर मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है जब तक कि आपने दायरे के अंदर आप रहते हैं। परंतु उनकी हत्या से एक ऐसी विशेष चर्चा शुरू हो गई है जैसे लखनऊ के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कम्युनल दंगे कराना चाहते हैं। जैसे ही उनकी हत्या की, जिस तरीके से उनकी हत्या की, जिस बेदर्द तरीके से उनके गले को रेंदा गया, उनके घर के अंदर के जाकर के उसके पीछे लोगों को एक मौका मिल गया कि कहें कि इसके पीछे कोई ना कोई साम्यवाद कोई ना कोई कम्युनल फोर्सेस काम कर रही हैं। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले 2015 के अंदर कमलेश तिवारी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसने उसने पैगंबर के प्रति कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। जैसे ही उन्होंने उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो मौलाना साहब ने जो हैं उनको गुस्सा आ गया। एक मौलाना साहब ने कहा कि इनकी हत्या जो करेगा या उनके गर्दन रेंग करके लाएगा उसको हम 51 लाख रुपए देंगे इनाम के ऊपर। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ उनके 3 साथी और भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस तरह से उनकी हत्या की गई है वैसे लगता है गले काटने से ही 51 लाख रुपए आपको मिलेगा। वो चक्कू लेकर के उसके घर के अंदर घुसे, मिठाई के डब्बे में लेकर के गए, ऊपर बैठे और गला उनका रेंद दिया। गला रेंदने के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की गई, इसलिए जितनी भी ताकतें ऐसी थी जो चाहते थे कि जहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो उन्हें उसको एक कम्युनल वारंट दे दिया। इसके पीछे क्या, इसकी इंक्वायरी तो अभी चल रही है। ओपी सिंह जो डीजी हैं यूपी पुलिस के, उन्होंने कहा कि ISI का इसके साथ इस्लामिक स्टेट जो है उसका कोई लेन देन अभी नहीं है। परंतु पकड़े जाने वाले जो 5 या 6 लोग हैं, 3 लोग गुजरात से भी गिरफ्तार हुए, उनके प्रति पहले 2017 में चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें लिखा था कि उनको चित्र दिखाया गया था जिसमें कमलेश तिवारी का फोटो था कि इस आदमी को मारना है। तो गुजरात में जो लोग पकड़े गए और जो यूपी में पकड़े गए उनके बीच में लिंक क्या है, क्या ISI इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है। परंतु कमलेश तिवारी की हत्या से एक बहुत बड़ी चर्चा बार बार शुरू है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग बढ़ जाते हैं। जितने भी हिंदूवादी ताकते हैं, राष्ट्रवादी ताकते हैं, जैसे किसी दूसरे कम्युनिटी के व्यक्ति का नाम आता है कहते देखिए हिंदू धर्म खतरे में है। दूसरी तरफ कोई और लिंचिंग से मारा जाता है तो वो कहते देखो जी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एक विशेष वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से 5 साल से ये लग रहा है कि जो भी घटनाएं होती हैं उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जाती है। उसके अंदर फिल्म स्टार भी घुस जाते हैं, उसके अंदर बुद्धिजीवी भी घुस जाते हैं। अभी कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो जितने भी लोग संघ परिवार के थे, राष्ट्रवादी लोग थे, वो फिल्म स्टारों को क्वेश्चन करने लगे कि स्वरा भास्कर ने क्यों नहीं बोला, किसी और ने क्यों नहीं बोला। दूसरी तरफ ये आ गया कि अभी ISI कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये है कि अब देश में बंटवारा हो जाता है, मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा, इसको भूल जाते हैं लोग, वो एक दूसरे को आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चुनाव से पहले भी घटनाएं होती हैं। मेरे को क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों से, 6 साल से जब तक मोदी सरकार आई है या उससे भी कुछ से 15-20 सालों से देश के अंदर जो बड़े बड़े दंगे होते सांप्रदायिक वो कम हुए हैं। 2002 जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद कोई बड़ा दंगा देश में कहीं भी नहीं हुआ। छोटे मोटे होते रहते हैं पर उन छोटे मोटे दंगों को बड़ा दंगा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी पिछले वेस्ट बंगाल के अंदर किसी हिंदू परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया गया, उसके बच्चे को मार दिया गया, उसके ऊपर फिर शुरू हो गया कि RSS का आदमी था इसलिए उसको मार दिया गया। दूसरी तरफ से कहा नहीं RSS का आदमी था, किसी और की थी। जब तक कोई पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आती या कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं आती जिसके बारे में मोटिव क्या है क्राइम का, कि उसका हत्या क्यों की गई, उससे पहले ही सारा ट्विटर, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, उनको लगता है कि देश के अंदर दंगे होने ही वाले हैं, देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई है, देश के अंदर कुछ और बात नहीं कर सकते, चाहे लिंचिंग हो, जो भी छोड़ा है गलत हुआ है, अखलाक की अगर लिंचिंग की गई गलत हुआ है, जो भी होता है, पर उससे पहले कि आप उसको सांप्रदायिक रंग दे दें। लोग ये भूल जाते हैं कि खून का रंग केवल एक है, लाल है, हिंदू या मुसलमान का रंग अलग नहीं होता। खून जो है उनका एक ही खून है शरीर के अंदर, जब वो पैदा होते हैं वो बच्चे को पता नहीं होता कि कौन से धर्म में अंदर पैदा हो रहा है। तो
तो उसका कोई कसूर नहीं होता। बाद में हम लोग हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, परंतु अब क्या हो रहा है कि जब से सोशल मीडिया आ रहा है, जैसे कमलेश तिवारी की जो दर्दनाक हत्या हुई, उससे पहले बाकी मुसलमान भाइयों की जो लिंचिंग हुई, उसके पीछे लोगों की भावना ये था कि जो फ्रिंज एलिमेंट है, जिनको बोलते हैं किनारे दरकिनार लोग हैं, जिनको नेतागिरी करने हैं दोनों तरफ से, चाहे हिंदू संगठन हो ये संगठन हो, उनका ये तरीका होता है कि इस इश्यू को कम्युनल बना दिया जाए ताकि वो व्यक्ति कम्युनिटी का लीडर बन जाए, वो मार्टिर बन जाए, शहीद बन जाए, इस तरह की बातें होती हैं। पिछले 2019 में पिछले 11 साल के अंदर देश के अंदर 7,500 कम्युनल राइड्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, नंबर बहुत बड़ा है। और सबसे ज़्यादा दंगे जो हुए थे 2008 में, जबकि यूपीए सरकार थी, 943 दंगे तब हुए थे। इन सब ने 7,500 दंगों में केवल 1100 लोग मरे हैं, यानी कि नंबर उतना बड़ा नहीं है, परंतु दंगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु छोटे छोटे दंगे हैं। आज भी बिहार में कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी और जगह कुछ दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पर छोटी मोटी एक व्यक्ति मरता है तो सारा दंगा बनाने की कोशिश होती है। अगर दंगों की संख्या तो बड़ी है, पहले क्या होता था, एक एक दंगे के अंदर 100, 200, 300, 400 लोग मरते थे। गुजरात में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे, यूपी में बहुत दंगे हुए। अब मेरे को याद नहीं है कि कोई बड़ा दंगा 1982 या 1983 के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ हो। जब देश शांत हो रहा है, सब जगह कोई भड़काने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये जो एक एक हत्या जो हो रही है उसको कम्युनल रंग देने के पीछे का पाकिस्तान की भी साजिश हो सकती है, हमारी भी साजिश हो सकती है मिलजुल करके। हम बिना जांच पड़ताल किए हुए हर चीज़ को भड़का देते हैं। जो कुछ हत्याएं हो रही हैं वो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, भड़काऊ लोग भी हो सकते हैं, हर धर्म के अंदर तरह के लोग होते हैं। तिवारी क्योंकि अपने आप को कट्टर हिंदू आदि मानते हैं, तो हो सकता है कट्टर मुसलमान जो लीग उधर से हैं उन्होंने उनकी हत्या कराने के अंदर कोई पार्टिसिपेट किया हो, कि जो पकड़े गए हैं लोग वो एक ही कम्युनिटी के हैं। परंतु तो सवाल ये उठता है, ये छोटे छोटे जो दंगे हो रहे हैं जिसमें एक या दो लोग मर रहे हैं, अब हिंदू संघ परिवार की बात करें तो उनका कहना कि हर प्रदेश के अंदर, केरला के अंदर उनके लागे मार गए, उन्होंने यूपी के अंदर भी एक लिस्ट निकाली थी कि 16-17 लोग हमारे मार दिए गए, कर्नाटका में भी उन्होंने लिस्ट निकाली थी। दूसरी तरफ से लिंचिंग की लिस्ट बनती है हर तरफ से, लिबरल लोग जो हैं, उदारवादी जो शक्तियाँ, जो कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो अपनी लिस्ट निकालते हैं कि इस तरह लोग मारे जा रहे हैं बेधर्मी से, हरे गऊ हत्या के नाम से लोगों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद बोला, मोहन भागवत ने भी इसके बाद बोला, परंतु उसके बावजूद भी इस तरह की हत्याएं, जो घिनौनी हत्या हो रही हैं दोनों तरफ से, उसको भड़काने के पीछे यही लगता है सांप्रदायिक दंगे कराने की बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान की तरफ कश्मीर के भी होती है। वो अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कमलेश तिवारी की हत्या एक और उदाहरण है कि देश के अंदर जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, दोनों तरफ से दंगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो वोट के नाम पर अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं, उसको रोकना होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, हम लोगों के इसके ऊपर कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये डिवाइसिव एक्टिविटी है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। ISI भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हर चीज़ के पीछे जब तक इंक्वायरी नहीं हो, हम पहले से जजमेंट देने की जो प्रतिक्रिया इस देश के अंदर शुरू हुई है कि अब जब भी कोई क्राइम होता है उसको पहले से अखबार वाले, सोशल मीडिया वाले, बुद्धिजीवी पहले से रिपोर्ट देते हैं, जांच रिपोर्ट। जांच होती नहीं, जांच की रिपोर्ट इनकी तरफ से पहले आ जाती है, इसलिए पुलिस वाले भी उसी लाइन पे चल देते हैं जो झलकता है मेजोरिटी, इस तरह उसी लाइन के बोलना चाहिए। अब कमलेश तिवारी की हत्या से यूपी शांत है, मेरे को लगता है लोगों को धीरे धीरे हिंदुस्तान में समझ आ रहा है ये घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, परंतु लोग ऐसे षड्यंत्रकारी जो लोग इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराने जाते हैं उनके साथ नहीं हैं, परंतु कोशिश जारी है। बुझना ये सच्ची बात।